हेलो एवरीवन, हमारे चैनल आपका रसोई घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे आलुओं को तोड़ लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे और एक छोटे साइज के प्याज को हमने टुकड़ों में काट लिया था उसे हम इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच हम इसमें बेसन डाल देंगे और इन सब को हाथों की सहायता से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे डो को तैयार कर लिया है। तो अब हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे और तेल लगा करके इसमें से इस तरीके से थोड़े से मिश्रण को लेंगे और गोल गोल इस तरीके से लड्डू टाइप का बना लेंगे। तो यहाँ पे सारे आलू के बॉल्स रेडी हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है, तो ब्रेड क्रम्स पे हम इस तरीके से इसे थोड़ा थोड़ा चपटा करेंगे हाथों की सहायता से और ब्रेड क्रम्स इसके चारों तरफ हम लगाएंगे और उसके बाद हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे आलू के बॉल्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो देखिए, ये जो आलू वाला बॉल था वो रेडी है, सब पे ब्रेड क्रम्स हमने लगा लिया है। तो अब हम चलते हैं इसे सेलो फ्राई करने के लिए। तो तेल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल जो है वो पूरा गर्म है। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और एक एक करके सारे आलू के टिक्की को इसमें हम डाल देंगे। इसे आप इवनिंग स्नैक में चाय के साथ लें, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाता है। और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे दोनों साइड से पलट पलट करके सुनहरे रंग का कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी आलू की जो टिक्की है वो बन करके रेडी है। ये दोनों साइड से अच्छे से पक भी गई है और सुनहरे रंग की हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस आलू की मज़ेदार रेसिपी को आप हरी धनिया की चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।